जदों ही बिजली बोर्ड का नाम आता है दिमाग च घाटा आने लग जाता, घाटे च ही होना, पर नहीं, ये पहला घाटे से बिजली बोर्ड जिहड़ा उन्हें जिहड़ी सबसिडी देंदे सीगे, सबसिडी का पैसा कदे पूरा नहीं किया गवर्नमेंट ने, किसी गवर्नमेंट ने सार लो जी, थोड़ा जिहा ऐ कर लो जी, इधरों घटा लो जी, मुलाजमान दीआं तनखाहां रुक जांदियां सी, ते जिहड़ा सबसिडी हुण तक दित्ती गई पिछले पांच साल च 18 तो 19 च 9,036 करोड़ रुपया सबसिडी दित्ती गई, 19-20 च 9,394, एक साल दी जिहड़ी सबसिडी जिन्नी भी हैगी है, 2020-21 च 9,657, 2021-22 13,443, पर 2022-23 पहला साल है, मेरे नाल बिजली बोर्ड के CMD बैठे ने, 2022-23 पहला साल है 20,200 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने इन्हों देता जी, एक रुपया भी असी सबसिडी का PSPCL का देना नहीं है जी। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। थोड़ा जहा भी दस देंगे, मैं दसो जी, जी 22-23 का जो शुरू होया सी तां पिछले सालों का 9,020 करोड़ रुपया बकाया पिया सी, 17,733 करोड़ जी सबसिडी वह 22-23 की बनती सी, इस बार पंजाब सरकार ने सानू कुल है जी 20,200 करोड़ जी सबसिडी दे दिती है, इस साल की पूरी सबसिडी उहदे नाल जो पिछले पिछले 9,000 रहिंदा सी उहनू 5 किश्तां दे विच देण दे नाल वादा कीता है, और इस साल जिहड़ा उहदे च 1,904 करोड़ रुपये देते हैं, तो जो ये 9,000 ते साल का ब्याज बनता सी वह भी 663 करोड़ रुपये वह भी देते हैं, तो कुल सबसिडी जी इस साल सानू जी 20,200 करोड़ जी है आई है, इसका फायदा यही होना कि जो साडे वित्तीय हालात है जिहड़े बिजली बोर्ड के वो ठीक होणगे, तां जो असी बिजली की सप्लाई है जां कोई डिवेलपमेंट के कम है नवे ग्रिड बनाने हैं उन्हां दे विच आसानी आऊगी, उहदे नाल नाल ही जो मुलाजमान के जो भी पे कमीशन लागू किया उहदे भी जिहड़े पैसे आ वह भी नाल दी नाल तारांगे, तो इस साल जिहड़ा है असी पिछले साल भी जिहड़ा है 22-23 दा मेरा ख्याल है तुसीं सारे गवाह होवोगे कि असी पैड़ी सीजन के सारे खपतकारां नूं जिहड़ी है निर्विघन सप्लाई दित्ती, और खेतीबाड़ी के जिहड़े आ खपतकार आ उन्हां नूं बिल्कुल उन्हां दी तसल्ली मुताबक है जिहड़ी 8 घंटे तो भी वध बिजली दित्ती, उस तरह ही असी जिहड़े हैगे आ इस आने वाले पैड़ी सीजन के भी क्योंकि सानूं पूरा पैसा मिल रहा है और अगे मिलने की आस है असी पूरे प्रबंध कर ले है, पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कारपोरेशन वालों जिहड़ी बाहरों बिजली लियाउण दी ट्रांसमिशन कपैसिटी है वो पिछले साल जिहड़ा है 7,400 मैगावाट तो वधा के 8,500 मैगावाट कर दी गई सी, जिहड़ी कि इस साल 9,500 मैगावाट कर दी जाएगी, पंजाब के अपने अंदर जिहड़ा कोई 6,500 मैगावाट बिजली असी वध तो वध गर्मी च पैदा करते हैं, तो इस करके 9,000 असी बाहरों बिजली लियाउण दी समर्था बन गई है, तो असी 15,500 मैगावाट तक जिहड़ी बिजली दी मंग है वो इस साल पूरी करांगे, जबकि सानूं उम्मीद है कि 15,000 तक अपना जिहड़ा है मंग उत्थे नेड़े तेड़े रहेगी, इस करके आने वाले पैड़ी सीजन के भी पिछली बार भी असी खास करके जो पहला हुंदा सी कि खेतीबाड़ी नूं बिजली देण लग्या जिहड़ा है इंडस्ट्रीअल जिहड़े खपतकार है उद्योगिक जिहड़े खपतकार है उन्हां ते कट लग जांदी सी, जिस तरह कि असी पिछले साल भी नहीं कट लाई, मैं सारिआं नूं विश्वास भी दिवाउणा कि इस साल भी असी बाकी दे जिहड़े भी कोई वर्ग है उन्हां दे उत्ते कोई कट नहीं लगेगी और खेतीबाड़ी नूं भी उन्हां दी लोड़ अनुसार बिजली जिहड़ी पूरी मिलेगी। धन्नवाद जी। नाल नाल बिजली बोर्ड दे पैसे दित्ते ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ 9,020 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਸੋ ਵਿਰਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 9,020 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1,804 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੀ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1,804 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਤੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਈ ਵਿਆਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 3538 ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3538 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 3538 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵੀ ਨੇ
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 20,200 ਕਰੋੜ, ਉਹ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 9,063,79,00,000 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, 9,063,9,063 ਕਰੋੜ ਐਂਡ 79 ਲੈਕਸ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 8,225,90,00,000 ਯਾਨੀ ਕਿ 8,226 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2,910,31,00,000 ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 2,911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 20,200 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ।